नमस्कार, मेरा नाम निबिल तिवारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स आईएसएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे पिछले कुछ दो दिनों से मैंने आपके सामने दो वीडियो प्रस्तुत किया, जिसमें एक दर्शन शास्त्र संबंधित था और दूसरा वेद के संबंधित था। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि जो मैंने वेद का जो पार्ट मैंने चालू किया था, जहां हमने ऋग्वेद पढ़ा था, उसी ऋग्वेद को हम आगे बढ़ाते हैं और यहां पर तीन नए वेद को पढ़ते हैं, जिसमें एक होगा सामवेद, एक होगा यजुर्वेद और एक होगा आपका अथर्ववेद। तो इन तीनों वेद में सबसे पहले हम चालू करेंगे किसको, सामवेद को। ध्यान दीजिएगा, जो सामवेद है, हमने जाना था कि वेद व्यास जो थे, वेद व्यास ये वो थे जिन्होंने वेदों का व्यास किया था और वेदों का व्यास करके इन्होंने वेदों का क्या किया था, तो पृथक्करण किया था, जिसमें पहला क्या था, ऋग्वेद, जिसमें मंत्रों का संकलन था और उन्हीं मंत्रों का उच्चारण गाना रूप में किसमें था, तो सामवेद में। तो सामवेद अगर आप देखोगे तो सामवेद में जो शब्द साम है वो संस्कृत धातु समन से निकला है और जो समन है उस समन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, तो गीत होता है। मतलब एक ऐसा वेद जिसमें मंत्र तो है लेकिन वो मंत्र किस रूप में है, तो संगीत के रूप में है। मतलब आरती स्तुति परक वाला जो आपका वेद है वो कौन सा है, सामवेद। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सामवेद की, तो सामवेद के बारे में ये कहा जाता है कि सामवेद को देखने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कृष्ण द्वैपायन के शिष्य कौन थे, तो जैमिनी। तो मुझे मेरे पास एक नाम मिलता है, नाम क्या है, जैमिनी। और आपको ध्यान देना होगा, ये जो जैमिनी है, ये जैमिनी कौन है, तो जैमिनी कृष्ण द्वैपायन के शिष्य थे और यही सामवेद के प्रथम क्या है, तो दृष्टा है। जैमिनी ने एक देखा जाए तो आपका एक इन्होंने दर्शन भी दिया है जिसका नाम है पूर्वी मीमांसा। तो पूर्वी मीमांसा के जो प्रणेता वो भी कौन है, जैमिनी है और सामवेद के प्रथम दृष्टा भी कौन है, जैमिनी। जब हम बात करें सामवेद की, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि सामवेद हमारे भारतीय संगीत का क्या है, तो मूलभूत आधार है। तो भारतीय संस्कृत का जो आधार ग्रंथ है वो कौन सा है, सामवेद। अब ध्यान दीजिए, जो सामवेद है, इस सामवेद को अगर हमको पढ़ना है तो सामवेद के तीन क्या है, तो शाखाएं हैं। जिस प्रकार से ऋग्वेद के पांच शाखाएं थे, आपको पता है कि ऋग्वेद के जो पांच शाखाएं वो क्या है, शाकल, वाष्कल, असुलायन, मंडुकायन और शंखायन। उसी प्रकार जो सामवेद है, सामवेद की भी कितने शाखाएं हैं, तो तीन शाखाएं। तीन शाखा में पहला शाखा कौन सा है, तो कौथुमी है। तो पहला क्या शाखा होगा आपका, कौथुमी है और कौथुमी के बाद दूसरा क्या है, रनायनी और रनायनीय के बाद जो आपका तीसरा शाखा है वो क्या है, तो जैमिनी। तो जैमिनी और कौथुमी और रनायनी ये सामवेद के क्या है, ये तीन शाखाएं हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई वो कौन सा वेद जो स्तुति परक वेद है, तो वो है सामवेद। सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन है, तो जैमिनी है। सामवेद के कितने शाखाएं हैं, तो सामवेद की तीन शाखाएं हैं, क्या क्या, कौथुमी शाखा, रनायनी शाखा और जैमिनी शाखा। जिस प्रकार से ऋग्वेद में 10,552 मंत्र थे, उसी प्रकार से हमारे जो सामवेद है उस सामवेद में कुल मिलाकर 1549 मंत्र है। और ये जो 1549 मंत्र है, इन 1549 मंत्रों का उच्चारण हम गाना के रूप में करते हैं, आरती स्तुति के रूप में करते हैं और ये तब करते हैं जब एक यज्ञ करते हैं जिसका नाम क्या है, सोम यज्ञ। तो सोम यज्ञ के दौरान हम सामवेद के मंत्रों का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका सामवेद है, ये सामवेद मुख्यतः सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी जो मंत्र हैं उसमें अधिकांश जो मंत्र हैं वो संबंधित है किनसे, सूर्य देवता से। हालांकि इंद्र देवता और सोम देवता के लिए भी यहाँ पर क्या है, मंत्रों का उल्लेख है, लेकिन मुख्यतः ये जो आपका वेद है इसके केंद्र में एक ईश्वर है जिसकी विवेचना हम कर रहे हैं, वो कौन है, सूर्य देवता है। तो इस प्रकार से सामवेद में कुल मिलाकर मंत्रों की संख्या कितनी हुई, 1549। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि 1549 मंत्रों में 75 मंत्र जो 75 आपके क्या है, वर्सेस है, ये किसके हैं, तो सामवेद के हैं। 75 मंत्र को छोड़कर बाकी जितने भी जो मंत्र हैं वो सभी मंत्र हमने कहाँ से लिया है, ऋग्वेद से लिया है। मतलब सामवेद में जितने भी जो आपके मंत्र है ये सभी मंत्र कहाँ के हैं, ऋग्वेद के। सामवेद के अपने खुद के मंत्र कितने हैं, तो 75। मतलब 75 किसके मंत्र है, सामवेद के।
और इस 75 को छोड़कर 1549 में जितने भी मंत्र हैं वो सभी मंत्र किसके हुए? ऋग्वेद के। मतलब ऋग्वेद के मंत्रों का ही हम क्या कर रहे हैं? उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में? गाने के रूप में, संगीत के रूप में, आरती और स्तुति के रूप में। तो ये वेद हमारा क्या था? सामवेद। मतलब यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपसे कोई पूछे भाई भारतीय संगीत का मूल आधार क्या है, तो वो सामवेद है। सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन है? तो जैमिनी है। जैमिनी कौन से दर्शन के विचारक हैं? तो पूर्वी मीमांसा। सामवेद में कितने मंत्रों का संकलन है? तो 1549। इन 1549 मंत्रों में सामवेद के खुद के कितने मंत्र हैं? तो 75। और ये जो आपका सामवेद है, उस सामवेद के कितने शाखाएं हैं? तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं। पहला क्या? जैमिनी शाखा, दूसरा रणायनी शाखा और तीसरा कुथनी शाखा। और ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से ऋग्वेद का भी अपना क्या था? उपवेद था। और ऋग्वेद के उपवेद को हमने क्या बोला था? आयुर्वेद। उसी प्रकार से सामवेद का भी एक क्या है? उपवेद है। और सामवेद के उपवेद को हम क्या बोलते हैं? तो गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का उपवेद है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका गंधर्व वेद है, इसके जो प्रणेता है उनको हम क्या बोलते हैं? नारायण नारायण बोलने वाले कौन? नारद मुनि। तो जो नारद मुनि है वही गंधर्व वेद के क्या है? तो प्रणेता है। इस प्रकार से ये क्या हुआ आपका? सामवेद। तो इस प्रकार से ये हमारा सामवेद था। और इसी प्रकार से मैं हर दिन आपके लिए एक नया नया वीडियो प्रस्तुत करते रहूंगा। जैसे कि आने वाले समय में मैं आपके लिए, कल मैं यजुर्वेद और अथर्वेद को प्रस्तुत करूंगा। कल हो सकता है तो कल मैं आपको बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानकारी दूँ। और एक पूरे दर्शन का भी मैं एक वीडियो आपके साथ शीघ्र ही लाने वाला हूँ, जो आपको कहीं ना कहीं आपके मेंस के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।